हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन में कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो आप उस नंबर को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, मतलब वो किसका नंबर है और उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में जान सकते हैं बिना उसको कॉल करें। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर ये एक इमेज है, इसमें जैसे ही होगा लेके आएंगे तो यहाँ पर ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको ट्रू कॉलर से कैसे ट्रेस कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक से कैसे ट्रेस कर सकते हैं, या गूगल के थ्रू आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू कॉलर से। ट्रू कॉलर के लिए आपको क्या करना होगा, ये वेबसाइट खोलनी होगी। देखिए truecaller.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें ज्यादातर कितने बिलियंस ऑफ नंबर इसमें अवेलेबल हैं और उनकी सारी की सारी डायरेक्टरी के रूप में ये इसमें सेव करता है। ठीक है, तो उसमें नाम और एड्रेस आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने कोई नंबर डालना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, truecaller.com खोलना होगा। मान लीजिए अगर इसका फ्यूचर में कोई इंटरफेस चेंज हो जाता है तो यहाँ पर ये सर्च बॉक्स जो इसका है, यहाँ पर आप फोन नंबर डालेंगे, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फोन नंबर डाल देना है जिसको भी आपने ढूंढना है। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, फोन नंबर डाल दिया यहाँ पर। ये बाय डिफॉल्ट इसका, अगर आप इंडिया से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इंडिया से सिलेक्टेड आता है, ये आपके आईपी के थ्रू इसको गेट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च में क्लिक करना है, यहाँ पर एक सर्च बटन होगा उसमें आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही सर्च बटन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये आपसे लॉग इन करने को बोलेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी से भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अगर कोई गूगल का या जीमेल का अकाउंट है आप उससे लॉग इन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपका कोई अकाउंट है तो आप उससे भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक से लॉग इन करें तो फेसबुक से भी आप लॉग इन कर सकते हैं, याहू से भी आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो आप किसी से भी एक से अकाउंट से लॉग इन कर लीजिए। जैसे हम इसमें गूगल प्लस से अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ, जैसे इसमें क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर आपको इनको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट में जैसे आपने क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर आप क्या हो गए हैं, लॉग इन हो चुके हैं इनकी ट्रूकॉलर की वेबसाइट में अपने गूगल प्लस के अकाउंट से। तो ये देखिए, जैसे ही नंबर यहाँ पर आपने डाला था तो यहाँ पर देखिए जिसका भी ये नंबर है उसका नाम यहाँ पर आ गया। जैसे कश्यप सर्विसेज एक हल्द्वानी में फ्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, काफी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप हल्द्वानी से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका नाम आ गया और यहाँ पर ये देखिए इनका एड्रेस भी आ गया। ठीक है, नेम और एड्रेस दोनों आपके पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए गूगल मैप में वो दिखा रहा है कि ये कहाँ पर आपको आपका इसका जो है एड्रेस है। ठीक है, तो ये नेम भी पता चल गया आपको, उसका एड्रेस भी पता चल गया और यहाँ पर आपको गूगल मैप में उसकी पोजीशन भी पता चल गई कि ये नंबर कहाँ से आपके उसमें कॉल किया गया है। दूसरा मेथड जो है आप गूगल कर सकते हैं। गूगल कैसे करना है आपने, पहले तो आप सीधे नंबर डाल दीजिए। जैसे हम कोई नंबर डालते हैं, जैसे ये डाल लेते हैं 9690682103। ठीक है, आपने इसको गूगल में डाला, जैसे यहाँ पर सर्च में क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास 30 रिजल्ट ये उठा के ले आया है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे करके नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर तो इसने सीधे दिखा दिया आपके पास जो ये सर्च रिजल्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करके इनको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसमें क्लिक करके ढूंढ लेते हैं। पहला रिजल्ट हमने खोला और उसके बाद देखा कि ये कौन सी वेबसाइट में हमें लेके जा रहा है, क्योंकि गूगल क्या करता है, जितने भी इंटरनेट में पेजेस पड़े रहते हैं उन सबको क्या करता है, क्रॉल करता है और उसमें जो भी आपको आपका ये जो नंबर मिल गया जिस भी पेज में, वो पेज उठा के आपके यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसका पूरा का पूरा नाम दिखा रहा है, स्काईनेट ब्रॉडबैंड मेरा नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ आ गया दीपक, और यहाँ पर देखिए फोन नंबर आ गया और यहाँ पर इनकी ईमेल भी आ गई और यहाँ पर इनका एड्रेस भी आ चुका है। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है आ गई है। अगर आपके पास ऐसे कर, यहाँ पर देखिए इसका फेसबुक पेज भी आ गया, शायद फेसबुक में इन्होंने कहीं पर डाला होगा, तो यहाँ पर इनका फेसबुक भी आ गया। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हल्द्वानी और यहाँ पर इनका ये देखिए स्काईनेट ब्रॉडबैंड हल्द्वानी यहाँ पर से आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर से देखिए इसके बाद अगर आपका ये यहाँ पर सीधे नंबर डालने में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, यहाँ पर डबल कोट में करें, डबल कोट लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ पर बीच में नंबर लिख दीजिए, उसके बाद सर्च करिए तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर गूगल के पास इस नंबर से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उठा के यहाँ पर सर्च रिजल्ट में लेके आ जाएगा। ठीक है,
और तीसरा यहाँ पर होता है, ये डबल कोट हटा दीजिए, और यहाँ पर आपने लिखना है फोन बुक, PHONEBOOK, उसके बाद कोलन लगाना है और फिर उसके बाद नंबर लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फोन बुक और उसके बाद कोलन लगा के नंबर लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अगर इंडिया का नंबर है तो आप +91 या 0 भी लगा सकते हैं आगे से, और आप इस नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ये 3, 3 और 4 के बीच पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर से आप इसको हटा देंगे, क्योंकि कई कई जगह पे ऐसे भी नंबर डाला जाता है, तो इसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कोई फ़ोन नंबर है, ठीक है। अगर कहीं बाहर का नंबर है, यूएस का, इंडिया से बाहर का है, तो आप उसको ऐसे करके ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो और फेसबुक के लिए आपने क्या करना होगा, नंबर आपने डालना होगा यहाँ पर, यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए, जो भी नंबर आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर उसकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे यहाँ पर ये आ गया स्काईनेट ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर को आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये देखिए ट्रू कॉलर जो मैंने आपको बताया, इसकी एक एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी एंड्रॉयड भी है, विंडोज़ की भी है, iOS की भी है, सभी में ये सपोर्ट करता है, तो आप इसकी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके उसमें कोई कॉल करेगा तो डायरेक्ट उसका नाम लिखा हुआ जाएगा कि इस बंदे ने आपको कॉल कर रखा है। तो अगर आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए कि इसके बारे में वीडियो बनाना है करके, मैं इसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर देखिए लाइक बटन है, इस लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।